6 जनवरी 1664 को 4000 घुड़सवारों के साथ शिवाजी महाराज ने सूरत शहर को लूटा। और सिर्फ 6 जनवरी ही नहीं, 7, 8, 9 और 10 जनवरी तक वो सूरत को लूटते रहे। लेकिन लूटने का काम चोर, डकैत और लुटेरे करते हैं, और शिवाजी महाराज तो राजा थे। फिर उन्होंने सूरत में लूट क्यों की? इसके कई कारण हैं, जिसको हमने मेरे इस वीडियो में जाना है। आइए अब बात करते हैं उस प्रत्यक्ष लूट की। कई लोगों का यह भी मानना है कि लूट इस शब्द का उच्चारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लूट नहीं बल्कि एक मुहिम थी, बदले की मुहिम। शाहिस्ते खान ने जो शिवाजी महाराज के राज्य में 3 सालों तक हुड़दंग मचाया, लूट की, खेत खलिहान उजाड़ दिए, गांवों और शहरों को राख में बदल दिया, उसका बदला। आइए देखते हैं कैसा था सूरत शहर जब शिवाजी महाराज ने हमला बोला। सूरत उस समय भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह था। यह मुगल सल्तनत की आन बान और शान था, क्योंकि यह शहर उस समय के हिंदुस्तान का दिल्ली के बाद का दूसरा सबसे अमीर शहर था। उस समय के मुसलमान मक्का मदीना के लिए यहीं से बड़े बड़े जहाज़ों में बैठकर जाया करते, जिस वजह से इसे मुसलमानों का पुण्य क्षेत्र का द्वार भी कहा जाता था। जो भी व्यक्ति अरब देशों में जाना चाहता, उसे यहीं से जहाज पर बैठकर जाना पड़ता। उस समय का सूरत शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा किले का था, वहीं दूसरे हिस्से में पूरा शहर बसा हुआ था। किला बस नाम का ही था, लेकिन शहर काफी फैला हुआ था। कहते हैं कि ये करीबन 4 वर्ग मील में फैला हुआ था, और करीबन 2 लाख लोग इस शहर में अपने परिवार के साथ रहते थे। जनसंख्या के अनुसार यह भारत के गिने चुने बड़े शहरों में से एक था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, व्यापारियों के महसूल से ही मुगलों को 12 लाख रुपयों की सालाना आमदनी होती थी। इतना धनी शहर होने के बावजूद सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे, ना ही शहर के चारों तरफ कोई खाई खोदी गई थी, और ना ही ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। कहीं कहीं जगह पर नाके नुमा फाटक जरूर दिखाई देते, तो कहीं कहीं छोटी छोटी दीवारें जो किसी भी बाहरी आक्रमण के मुकाबले कहीं भी टिक नहीं पाती। यह हाल तो तब था जब उस समय का भारत का सबसे धनवान व्यक्ति इस शहर में मौजूद था। सूरत जैसी धन दौलत हिंदुस्तान के किसी भी अन्य शहर में नहीं थी। इस शहर में बहरजी वोहरा, हाजी सैयद तथा सईद बेग जैसे कई बनिए रहते, जिनकी हैसियत लाखों में थी। हालांकि शहर की सुरक्षा के लिए मुगल दरबार से 500 सिपाहियों की तनख्वाह जरूर आती थी, लेकिन शहर का फौजदार उसे अपने ऐशो आराम में उड़ा देता। इसी तरह शहर के लोगों के बारे में भी ये वर्णन मिलता है
कि वे बड़े ही शांतिप्रिय और जल्द घबराने वाले लोग थे। जैन धर्मीय अहिंसावादी थे, वहीं पारसी अपने में ही रहने वाले शांतिप्रिय लोग थे। जो कारीगर थे वो गुजराती थे और दुकानदार भी लोभी किस्म के थे। तो ऐसे में अगर पराक्रमण हो तो इनकी इतनी सूझबूझ या हैसियत नहीं थी कि अपनी सुरक्षा ये खुद करते। और जो धनी व्यापारी थे उन्होंने भी अपनी सुरक्षा में सैनिकों की तैनाती नहीं की थी। इस शहर का मुखिया यानी हाकिम के तौर पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने इनायत खान को नियुक्त किया था। वह बहुत ही बुजदिल, नाकारा और रिश्वतखोर था। ऐसे में शिवाजी महाराज के लिए ये सारी परिस्थितियाँ हितकारक थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।